नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आज कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी हो गई। सात फेरों के बंधन में वो बंध गए। 250 पुलिसकर्मियों के पहरे में सात फेरे हुए। शादी की सुरक्षा में सात घेरे बनाए गए। पुलिस ने एहतियातन शादी पंडाल के आसपास की दुकानें बंद करवा दी थी, लेकिन जब लाल जोड़े में काला चश्मा पहनकर दुल्हन बनी लेडी डॉन शादी के मंडप में पहुंची तो सीन ही बदल गया। लेडी डॉन ने शादी में आए मेहमानों की लिस्ट खुद चेक की, यहां तक कि विवाह की विधि करवाने वाले पंडित तक की एंट्री आधार कार्ड चेक करने के बाद हुई। क्राइम कुंडली के मेल से हुआ ये विवाह अनोखा है। अनोखा हर लिहाज से, क्योंकि दूल्हा बहुत बड़ा गैंगस्टर है, दुल्हन उससे भी बड़ी लेडी डॉन है, नए वर वधु की जमाने में पहचान है। दूल्हा संदीप उर्फ काला जठेड़ी, दुल्हन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंच। एक राजस्थान का छटा हुआ गैंगस्टर तो दूसरी राजस्थान की लेडी डॉन, जिनके कुख्यात विवाह का किस्सा आज की तारीख में हर जुबान पर है। वजह भी अनोखी है। दूल्हा सीधे जेल से शादी के मंडप में पहुंचा, पुलिस के पहरे में पहुंचा, दुल्हन काला चश्मा चढ़ाए, सुर्ख लाल जोड़े में शादी के सभी इंतजाम खुद करती रही। दिल्ली के द्वारका में जहां विवाह हुआ वो इलाका मानो छावनी बना हुआ था, क्योंकि गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी में अब शकुन का खतरा था। खतरा उन गैंग से जिसकी इन दोनों से जानी दुश्मनी है, इसलिए संगीनों के साए में दोनों ने साथ फेरे लिए। विवाह के बाद लेडी डॉन की खुशी देखते ही बन रही है। संदीप काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी सम्पन्न हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराधा चौधरी मौजूद है। पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस। आम लोगों की शादी होती है, लोग शादी के बाद घूमने जाते हैं, लेकिन संदीप वापस तिहाड़ जा रहे हैं, आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये एक टफ पीरियड है? हाँ, स्ट्रगल पीरियड है, स्ट्रगल करेंगे। लेडी डॉन मोहब्बत को रिश्तों का नाम देकर चहक रही है, लेकिन इस विवाह के फेर में सुरक्षा बल की सांस फूल गई। लेडी डॉन वेड्स गैंगस्टर के लिए कितनी मशक्कत हुई इसे भी जानिए। सुबह करीब 9 बजे लेडी डॉन अनुराधा चौधरी शादी के पंडाल में पहुंच गई थी। शुरुआत में अनुराधा और मैडम मिंज खुद ही एंट्री गेट पर मेहमानों की लिस्ट की जांच कर रही थी। काला जठेड़ी उर्फ संदीप को दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के स्वात कमांडो के साथ लेकर सुबह करीब 10:15 पर पहुंची। शादी के पंडाल में पहली लेयर में गेस्ट के नाम की लिस्ट का उनके आधार कार्ड से मिलान के बाद अंदर जाने दिया गया। दूसरे लेयर में पुलिस के जवान मौजूद थे जो जांच के बाद मेहमानों को आगे बढ़ने दे रहे थे। तीसरे लेयर में मेटल डिटेक्टर से होकर मेहमानों को गुजरना पड़ा। चौथे लेयर में पुलिसकर्मी खुद शादी की फोटोग्राफी कर रहे थे। शादी के पंडाल के आसपास के मकानों की छत पर भी पुलिसकर्मी और स्नाइपर्स तैनात किए गए थे। वरमाला और फेरे भी पुलिस की सिक्योरिटी में हुए। अमूमन हिंदुस्तान में जो शादियां होती हैं, शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं, लेकिन एक शादी आज देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी हुई है जहां पर कि दो गैंगस्टरों ने साथ फेरे लिए हैं। जी हां, और वो भी पुलिस के कड़े पहरे के बीच में। और दूल्हा वापस तिहाड़ की मंडोली जेल चला गया है, दुल्हन वापस अपनी ससुराल चली गई है। जी हां, बात कर रहे हैं कुख्यात डॉन संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी की, और इस वक्त हम मटियाला के उसी बैंकेट हॉल में खड़े हुए हैं जहां पर कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने लेडी डॉन मैडम मिंज कही जाने वाली अनुराधा चौधरी के साथ साथ फेरे लिए। काला जठेड़ी और लेडी डॉन के शुभ विवाह के वक्त भीषण गैंग वॉर का डर सता रहा था। इसी आशंका से निपटने के लिए क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, लोकल पुलिस और स्वाट कमांडो की टीम के पहरे में ये विवाह हुआ।
ये शादी में दिल्ली पुलिस की पैनी नजर थी। बता दें कि कोर्ट से 6 घंटे की कस्टडी पेरोल जो है वो संदीप उत्काला जठेड़ी को मिली थी और जिसमें ये शादी में थर्ड बटालियन उसे विशेष सुरक्षा घेरे में लेकर मटियाला तक पहुंची थी और यहां पर दिल्ली पुलिस ने मचान बनाकर लोगों को पुलिस वालों को तैनात किया था। गैंगस्टर काला जठेड़ी को 6 घंटे की मोहलत में विवाह की सभी रस्में निभानी थी, इसलिए शाम को 4 बजते ही काला जठेड़ी को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अगले दिन 13 मार्च को नव विवाहित जोड़े की घर वापसी की रस्मों के लिए एक बार फिर राहत मिलेगी। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी का अफसाना 3 साल पुराना है, जब दोनों अलग अलग जुर्म के मामलों में वॉन्टेड थे और फरार चल रहे थे। फरारी के दिनों में दोनों मिले, मोहब्बत हुई और फिर इन दोनों ने जमाने से छिपकर शादी भी रचा ली। लेकिन उस विवाह की न किसी को खबर लगी, न किसी की मान्यता मिली, जिसके बाद लेडी डॉन और काला जठेड़ी ने खुल्लम खुल्ला इश्क का इजहार किया, फिर विवाह किया। कहा यह भी जा रहा है कि मोस्ट वांटेड मैरिज के पीछे का मकसद काला जठेड़ी को पैरोल मिलने की सहूलियत है, तो लेडी डॉन के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह का इंतजाम है। हकीकत कुछ भी हो, इस विवाह की कई कहानियां अभी बनती ही रहेंगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया और इस फैसले ने हरियाणा में बीजेपी के क्लीन स्वीप की संभावना को और ज्यादा बढ़ा दिया। बीजेपी हरियाणा के अंदर 80-20 के ऐसे फॉर्मूले पर काम हो रहा है, बीजेपी ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसने विरोधियों को मुश्किल में डाल दिया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने हरियाणा में अपना कप्तान बदल दिया है। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने इतना बड़ा फेरबदल किया है कि विरोधी नेता चौंक गए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के फौरन बाद बीजेपी के ओबीसी नेता नायब सैनी ने शपथ ले ली है। आखिर अचानक हरियाणा में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया और अब बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर का क्या रोल होगा? क्या इस फेरबदल का कनेक्शन 370 प्लस के टारगेट से भी है? आखिर इस फेरबदल के ठीक पहले क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने खट्टर की तारीफ की थी? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। ये बीजेपी की आजमाई हुई कामयाब रणनीति है। ठीक ऐसा ही गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले विजय रूपानी को बदलकर भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया था और पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, जिसका नतीजा गुजरात में बीजेपी की सबसे शानदार जीत दर्ज हुई थी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी के ओबीसी लीडर हैं। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। अक्टूबर 2023 में ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 25 जनवरी 1970 को अंबाला के गांव मिर्जापुर माजरा में उनका जन्म हुआ था। अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत नायब सैनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की थी। साल 2014 में नायब सैनी नारायणगढ़ से विधायक बने। हरियाणा के फेरबदल की बड़ी वजह दुष्यंत चौटाला की पार्टी जन नायक जनता पार्टी से गठबंधन के टूटने को भी बताया जा रहा है। हरियाणा में पिछली बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की थी। जहां रोहतक में जीत का मार्जिन कम था, लेकिन वहीं बाकी की 9 लोकसभा सीट में जीत का मार्जिन काफी बड़ा था। लेकिन जननायक जनता पार्टी लोकसभा की 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 1 सीट देने को तैयार हुई। आखिरकार यह गठबंधन टूट गया, सहमति नहीं बन पाई। उम्मीद थी कि गठबंधन हो जाएगा क्योंकि गुरुग्राम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के मंच पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद थे, लेकिन फिलहाल बात बिगड़ चुकी है। बीजेपी दुष्यंत चौटाला से रिश्ता तोड़कर ये साफ संदेश देना चाहती है कि वो हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करेगी। हरियाणा में गैर जाट वोट 80% और जाट वोट 20% है। दुष्यंत के अलग अलग चुनाव लड़ने से जाट वोटों में बंटवारा होगा, क्योंकि इससे जाट वोट एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस को ही नहीं मिलेंगे, इससे बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा हो सकता है।
हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पार्टी ने संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करें। 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद विजेंद्र चौधरी भी अब कांग्रेस में जा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ये भी बीजेपी की गैर जाट राजनीति का ही हिस्सा है? लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इसकी वजह जनता की नाराजगी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की रैली में ही मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी और सादगी की काफी तारीफ की थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि खट्टर को आगे भी बड़ी भूमिका और पद मिलना तय है। हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करने के लिए अपना लॉन्चिंग पैड तैयार कर लिया है और जल्द ही वो और भी कई बड़े फैसले ले सकती है। पोकरण में ललकार, जी हाँ ये ललकार जिसकी गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दी। आज पोकरण के रण में ऑपरेशन भारत शक्ति का दम दिखा। देश की तीनों सेनाओं ने भारत शक्ति वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और दुश्मन को अपनी ताकत यहां पर दिखाई। देश के जांबाजों का पराक्रम देखने के लिए समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं की इस वॉर ड्रिल की खासियत यह थी कि इसमें शामिल हुए सभी हथियार, जी हां सभी हथियार हिंदुस्तान में बने हैं। तेजस ने उड़ाए दुश्मन के टैंक। पिनाका की मिसाइलों से दुश्मन बर्बाद। सौ ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार। धनुष के वार ने धुआं धुआं कर दिया। आसमान में गरज दी ये खतरनाक किलिंग मशीन्स। जमीन पर जांबाजी दिखाते हिंदुस्तान के सबूत। और चारों दिशाओं में गूंजता विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है, ये नए हिंदुस्तान की भारत शक्ति है, पूर्णतः स्वदेशी। ये तस्वीरें हैं देश का सीना फक्र से चौड़ा कर देने वाली और ये तस्वीरें आई हिंदुस्तान के पोखरण की धरती से, जहां भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की। जब ये सब कुछ हो रहा था तो खुद वहां देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं के जवानों का यह युद्धाभ्यास 50 मिनट तक चला, लेकिन इतनी ही देर में मादरे वतन के सपूतों ने अपने दम खम से दुश्मनों को संदेश दे दिया। आज पूरा देश भारत शक्ति का यह उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत की तीनों सेनाएं जब मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देती हैं तो देखिए क्या होता है। ध्रुव एक्शन में आ चुका है। ध्रुव में एक लाइट व्हीकल है, ठीक उसी वक्त दूसरा ध्रुव हेलीकॉप्टर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडोज को ड्रॉप करता है। इस ऑपरेशन में सभी कमांडोज के पास स्वदेश निर्मित हथियार है,
तब ही अंडरग्राउंड हाइट में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल एक्शन में आ जाती है और शुरू हो जाती है खूनों की बौछार। अब अर्जुन टैंक्स की गरज को देखिए, ये अत्याधुनिक टैंक खूबियों से लैस है। देखिए जब ये युद्ध के मैदान में दहाड़ता है तो क्या होता है। और देखिए जब अर्जुन की तोप ने गोले उगलने शुरू किए तो पल भर में दुश्मन की ताकत हवा हो गई।